एक मिनट सर। एक मिनट? एक मिनट में दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे? अब पिछला बार गए थे तो पूरा दिन लग गया था। ये मोदी जी कौनो सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन चलाए हैं क्या? ओ अकलमंद, मैंने कहा कि एक मिनट रुको, देख के बताती हूँ कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा बोलिए ना, आधा बात बोलिएगा और आधा पेटे में रखिएगा तो सामने वाला कन्फ्यूजिया नहीं जाएगा जी। अच्छा ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा? 18 घंटे लगेंगे। 18 घंटे लगेगा जी? कुछ कम होने का चांस नहीं है? देखिए, 2-4 घंटा कम हो सकता है तो कर दीजिए, अब आपके रेगुलर यात्री हैं हम, थोड़ा मोड़ा गुंजाइश तो चलता है, हैं? अच्छा छोड़िए, अब 3 टिकट दीजिए दिल्ली से पटना का, एक तो हमारा, दूसर का हमारी औरत का, और तीसर का जो हमारा लड़का है उसका दीजिए। पहले ये फॉर्म भरिए, फिर टिकट मिलेगा। अच्छा तो भर देते हैं फॉर्म भी, हम क्या डरते हैं किसी से। ये लीजिए बहन जी, फॉर्म भर लिए हैं, एक बार चेक कर लीजिए कि ठीक से भरे हैं कि नहीं। ये क्या है, ये क्या लिखा है तुमने, ये तो नहीं चलेगा। अब क्या लिखा है और क्या नहीं चलेगा? ये क्या लिखा है, नाम गणपत राय। हाँ तो ठीक ही तो लिखे हैं। उम्र 40 साल। हाँ तो वो भी ठीक ही है। और ये क्या लिखा है, लिंग की जगह पर 8 इंच। हाँ कभी नापे तो नहीं है, पर 8 इंच तो होगा ही, अच्छा लिख दिए हैं। अब वैसे भी इसकी लंबाई परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। वाह वाह वाह, और ये क्या लिखा है, नाम दुलारी, उम्र 35 साल, और लिंग की जगह पर क्या लिखा है, नहीं है। हाँ ठीक ही तो है, दुलारी हमारी औरत है, आप पर्सनली जानते हैं उसको बाहर से लेके अंदर तक, उसको है ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, नहीं है ही लिखेंगे ना। और एक तो बात बताइए, लेडीज सबको होता है कहीं, आप भी तो लेडीज है ना, आपको है, है? बकवास बंद करो और ये बताओ कि ये क्या लिखा है, नाम बिल्लू, उम्र 10 साल, और लिंग छोटा सा। बिलवा लड़का है हमारा, अब 10 साल का बच्चा है वो, अब बच्चा का तो छोटा सा ही होगा ना, तो लिख दिए छोटा सा। अब वैसे भी उसका नुन्नी अभी नुन्नू जैसा है, नेनुआ जैसा होने में टाइम लगेगा अभी। अब बताइए क्या गलत लिखे हम? अरे अकलमंद, यहाँ लिंग का मतलब है सेक्स, यहाँ तुम्हारे सेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा सेक्स, सेक्स के बारे में पूछ रही हैं? अब उसके बारे में क्या बताएं? जब नया नया ब्याह के आए थे तो दिन में 3-4 बार तक हो जाया करता था, अब टाइम भी हो गया है, बाल बच्चा भी हो गया है, अब उतना फुर्सत मिलता नहीं, अब हफ्ते में 1-2 बार हो पाता है बस, मुश्किल से यही है। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ गया है, लिंग की जगह पे 8 इंच लिख रहा है और अंग्रेजी में पूछो तो अपनी सेक्स लाइफ सुना रहा है। ए सुनो ए, ये सब नहीं चलेगा, काटो इसे। काटो? हे बेटा, जरा पूछना इससे, मेरा तो आगे से 2 इंच बचपन से कटा हुआ है, मेरा चल जाएगा ना? अरे रुको चाचा, हमको तो पहले अपना पूछ लेने दो। बहन जी अब पहले ये बताइए कि काहे काटे, और अगर काटे भी तो कितना काटे? पूरा काटो इसे। अरे क्या बोल रही है दीदी, अब पूरा काट देंगे तो मुटेंगे कहाँ से, और ऊपर से हमारी औरत हमको घर के अंदर भी नहीं आने देगी, अब ऐसे भी अंदर जाने के लिए बचेगा क्या? ऐ बहन जी अब देखिए, एक तो ट्रेन के सफर के चक्कर में हमको अपना पूरा कटवाना पड़े तो हमको ऐसा सफर नहीं चाहिए, हम बस से चले जाएंगे, कम से कम हमारा औजार तो सुरक्षित रहेगा। अरे अकलमंद इंसान, ये जो लिंग की जगह पर 8 इंच लिखा है इसको काटो और इसकी जगह पर पुरुष या स्त्री लिखो। अच्छा ये लिखना है, तो पहले बताना चाहिए था ना, आप फिर से हमको कन्फ्यूजिया दिए, हम खामखा ही पता नहीं क्या से क्या सोच बैठे थे। ए दीदी आप भी हमको अपना देवरे समझ के खूब बकैती पेले हमरे साथ ना।
हैं।